रक्षा रक्षा, अब इन पन्नों की जीनत है मीरास की खेती का सोना, जो इन नस्लों के हाथ लगा वो उन नस्लों का तोहफा है जो छूट गई पर जिंदा हैं। तारीख के पन्ने फिर पलटो, फिर याद करो हर कुर्बानी, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ, मीरास की खेती का कुंदन दामन दामन भरते जाओ। अट्ठारह की बगावत से पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी 19वीं सदी की बगावत की ज़मीन हमवार हो चुकी थी। अगर इस बगावत की कोई एक वजह तलाश की जाए तो हरगिज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि एक वजह थी ही नहीं। जो जुल्म, जो जातियाँ एक अरसे से, बल्कि एक लंबे अरसे से लावे की तरह पक रहा था, जो बर्बरता ब्रिटिश सरकार ने ढाई थी इस मुल्क के अवाम पर, वो अब इंसानी बर्दाश्त की हर हद को तोड़ चुकी थी। और जो ऐसे में होता है वही हुआ। एक छोटी सी बात, एक यूं ही सी अफवाह, या कोई कहा सुनी एक ऐसी चिंगारी बन जाती है जो गुस्से के बारूद में धमाका पैदा कर दे। ये धमाका पैदा हुआ मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, सब इसकी चपेट में आ गए। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध पर कब्ज़ा कर लिया और तब शुरू हुआ जुल्म, बर्बरता और जातियों का एक नया दौर। इस इलाके के सारे अवाम परेशान थे, सिर्फ अमीर नहीं, सिर्फ सिपाही नहीं, बल्कि हर तबके के लोगों को इस जुल्म ने अपनी लपेट में ले लिया। और तब अवध में आए एक मौलवी, जो शान शौकत में किसी नवाब से कम नहीं थे। लोग सुबह शाम जोक तर जोक उनसे मिलने आने लगे, उनके साथ मुरीद थे, ये मुरीद हथियारबंद थे। इन मौलवी का नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह 19वीं सदी की दूसरी दहाई में पैदा हुए। वो चिन्नापत्तनम मद्रास के नवाब मोहम्मद अली खां के बेटे थे। पैदाइश के वक्त उनका नाम सैयद अहमद अली खां उर्फ जियाउद्दीन रखा गया और उन्हें दिलावर जंग के लकब से जाना गया। शहजादा होने की वजह से उन्हें आला दर्जे की तालीम हासिल हुई। उनके उस्ताद उनकी अक्ल, लगन और मेहनती फितरत के कायल थे। अरबी, फारसी और इस्लामी फनून की महारत हासिल करने के बाद उन्होंने जंग के फन और हथियारबाजी की तरबियत हासिल की। उन्हें इंग्लिश का भी अच्छा इल्म था। एक बहादुर और मेहनती शहजादा होने की वजह से वो दूर दूर तक मशहूर हुए। हैदराबाद के निजाम ने उनकी शादी तय करने के लिए उन्हें हैदराबाद बुलवाया। शादी की बात तो नहीं बनी, मगर तलवारबाजी और निशानेबाजी के अपने जौहर दिखाने के कई मौके उन्हें हासिल हुए। उनके चर्चे इंग्लैंड के राजा तक पहुंच चुके थे। ब्रिटिश अफसरान ने उनके वालिद नवाब मोहम्मद अली खां से दरख्वास्त की कि वो अपने बेटे को उनके साथ इंग्लैंड भेजे। ये सफर अहमदुल्ला शाह के लिए बड़ा अहम रहा। इंग्लैंड में वो न सिर्फ बरतानिया के महाराजा से मिले, उन्होंने वहां के आलिमों से भी मुलाकातें की और उन्हें अपनी फौजी महारत के जौहर दिखाए। वापसी में उन्होंने इराक, ईरान, मक्का और मदीना का सफर भी किया। हिंदुस्तान लौटते लौटते उनकी शख्सियत पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। चिन्नापत्तन की नवाबी रियासत के वारिस को न अब सियासत में दिलचस्पी थी, न फनून जंगी में। वो पूरी तरह सूफी ख्यालात के हामिल हो चुके थे। अब तलाश थी तो एक ऐसे मुर्शिद की
जिसकी खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकें। यही तलाश उन्हें एक दिन राजस्थान के उस इलाके तक ले आई जो खारे पानी की झील और नमक के लिए मशहूर था। यहाँ कादरी सिलसिले के मशहूर सूफी सैयद फुरकान अली शाह के मुरीद हो गए। उनके पीर ने यहीं उन्हें नाम दिया सैयद अहमदुल्ला शाह और ग्वालियर जाने का हुक्म भी दिया। अहमदुल्ला शाह ग्वालियर से आगरे भेज दिए गए। ये वो वक्त था जब सारे सिलसिलों के सूफी मुल्क में घूम घूम कर कह रहे थे, मुरीदों अब वक्त आ गया है अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हो। आगरे में एक इमारत किराए पर ली गई। उसके दरवाजे पर बड़े बड़े नक्कारे तैनात किए गए जो दिन में 4-5 बार बजाए जाते थे। कव्वाली की महफिलें सजाई जाने लगीं। हालांकि कादरी सिलसिले के लोग समा में यकीन नहीं रखते हैं, फिर भी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लगातार कव्वाली की महफिलें सजाईं। कव्वालियों में आने वाले लोगों को तकरीर करके वो इस बात पर उकसाते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हों। इन तकरीरों का असर होना शुरू हुआ। लोग बड़ी तादाद में उनके मुरीद बनने लगे। कहा जाता है कि कव्वाली के दौरान शाह साहब खामोशी से आंख बंद किए दम साधे बैठे रहते थे। सूफी सिलसिले में हबसे दम कहा जाता है। यहीं पहली बार उन्होंने कहा कि 6 माह के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाएगी। अंग्रेज़ी हुक्मरानों को शाह साहब के खिलाफ लगातार खबरें मिल रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ लोगों का तो ये भी अंदाज़ा था कि ये कोई शहज़ादा है जो लोगों के बीच घूम घूम कर तकरीरें करते करते आवाम को कंपनी के खिलाफ बगावत के लिए तैयार कर रहा है। अजीजो, जुल्म करने वाला जितना गुनहगार होता है, जुल्म को बर्दाश्त करने वाले का गुनाह उससे कम नहीं होता। अगर तुम उस जालिम के खिलाफ खड़े नहीं होते तो दुनिया की नजरों में उनके मददगार की फहरिस्त में तुम्हें शामिल किया जाएगा। तुम दीन, मजहब, ईमान की कसमें खाते हो, मगर वो दीन, मजहब, ईमान किस काम का जो तुम्हें सच्चाई बोलने से रोके। आज तुम्हारी विरासत, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा धर्म सब दांव पर लगा है। अगर तुम्हें इस सरजमीन से 2% की मोहब्बत है तो इसे आजाद करवाओ, और इसे आजाद करवाने के लिए तुम सब जान की बाजी लगा दो। यही वक्त है। अगर आज हम उठ के खड़े नहीं होते तो आने वाली नस्लें हमसे ये पूछेगी, जब वो जालिम हम पर कह डाल रहे थे उस वक्त हम खामोश क्यों थे, क्यों नहीं कुछ बोला हमने। मुस्तकबिल के मंसूबे तैयार करने के लिए मौलवी साहब आगरा से वापस ग्वालियर आ गए। उनके पीर मेहराब शाह ने उनसे कहा कि पीर कादिर का हुक्म है कि तुम अवध में जिहाद के लिए निकल पड़ो। नवंबर 1856 में मौलवी साहब लखनऊ आ गए। लखनऊ में उनके खूब चर्चे हुए। तिलिस्म नाम के अखबार ने 21 नवंबर 1856 को एक खबर छापी जिसमें उनके जलवे थे, उनके चर्चे थे और साथ ही इस बात का जिक्र भी था कि किस तरह आवाम उनके दीवाने हो रहे हैं। हर मजहब और जात के लोग मौलवी साहब के दीदार के लिए जाते और नौजवान तो उनको सुनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार होने लगते थे। इसी अखबार ने 30 जनवरी 1857 को छापा कि मौलवी साहब बेखौफ होकर जिहाद की तख्लीक कर रहे हैं और अवाम उसे पसंद भी कर रहे हैं। शाह साहब,
वो लोग जिनको आपने जिम्मेदारियां तकसीम की थी आ गए हैं। बुलाई उन्हें। आइए। सलाम साहब। सलाम सलाम, बैठिए। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सब कुछ तैयार था और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अल्लाह ने आप लोगों को चुना था मुल्क में जंगे आजादी करने के लिए, लेकिन आप लोगों की लापरवाही की वजह से उसमें देरी हो गई। हम सभी चर्च के बाहर तैयार थे, मगर निसार मियां और उनके साथी सही वक्त पर हथियारों के साथ वहां नहीं पहुंच सके। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं तो सुबह के पहले पहर से तैयार बैठा हुआ था। सारे हथियार मुझ तक पहुंचा दिए गए थे, लेकिन आज मौसम सुबह से ही खराब था। हम लोग वक्त का अंदाजा ही नहीं लगा पाए, और जब तक हम लोग चर्च पहुंचे तब तक सारे अंग्रेज चर्च खाली कर चुके थे। जंग जब मुल्क के लिए लड़ी जाती है तो सौलियत से नहीं लड़ी जाती, उसकी तैयारी की आग में जान देनी भी पड़ती है। खैर, अब छोड़ो इस हादसे को और आगे की सोचो। अब हमें नए सिरे से नई जगह कुछ करना होगा। लखनऊ पे कंपनी के सिपाही उन पर नजर रखे हुए थे। कुछ दिनों बाद 10-12 मुरीदों के साथ शाह साहब ने लखनऊ छोड़ दिया। वहां से वो बहराइच पहुंचे और बहराइच से फैजाबाद। फैजाबाद में उन्होंने अपनी जिहाद की तैयारियां फिर से शुरू कर दी। यहां 10-12 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन पर मुकदमा चलाया गया और जिला जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को मेरठ में भड़की हुई नन्ही सी चिंगारी आग बनकर 11 मई तक दिल्ली पहुंच चुकी थी। 31 मई को शाहजहांपुर इस आग की लपेट में आ चुका था। जून के पहले हफ्ते में फैजाबाद इस आग की लपेट में था। 8 जून को फैजाबाद की जनता ने बगावत का परचम बुलंद किया, जेल के दरवाजे तोड़ दिए, अहमदुल्ला शाह को रिहा कर लिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह को रिहा कराने वालों में हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब शामिल थे। उनको उसी तरह से नजराने पेश किए गए जिस तरह से राजाओं और नवाबों को नजराने पेश किए जाते थे। उन्हें जंग का सिपहसालार मुकर्रर किया गया और तब उनकी लीडरशिप में एक फौज लखनऊ की तरफ रवाना हुई। 30 जून को चिनहट की लड़ाई हुई। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कमान संभाली। जिस फन जंगी को उन्होंने पढ़ा था, सीखा था, संजीदगी से अपने अंदर समोया था, आज उसकी ज़रूरत थी। जिस जिहाद के लिए उन्होंने नौजवानों को लगातार एक लंबे अरसे से तैयार किया था, आज उसका इम्तिहान था। आज वो अंग्रेज़ सामने थे जिनके खिलाफ जिहाद होना था। अंग्रेज़ी फ़ौज ने अचानक हमला कर दिया, ये सोचकर कि शायद अहमदुल्ला शाह की फ़ौज तितर बितर हो जाएगी, घबरा जाएगी। मगर हुआ इसका उल्टा। कुछ इस तरह कमान संभाली अहमदुल्ला शाह ने कि विलियम की फ़ौज पूरी तरह पसपा हो गई और उन्होंने हथियारों के एक बड़े ज़खीरे पर कब्ज़ा कर लिया। और जो पहली पिच बैटल होती है लखनऊ में वो बैटल ऑफ चिनहट है, चिनहट बैटल। और पहली वो बैटल है जिसमें अंग्रेज़ों को शिकस्त होती है और तकरीबन 200 अंग्रेज़ मारे गए हैं उस चिनहट के बैटल में। और उसमें जो अंग्रेज़ों की जो कमांड कर रहा है फ़ौज का वो सर कॉलिन का कैंपल है जो क्रीमियन वार का हीरो रहा है। तो पिच बैटल में पहली जो विक्ट्री हुई है इससे जो है मुझे ये जो 1857 के जो बाग रिबेल्स हैं इनके हौसले बहुत बुलंद हो गए कि भाई इन्होंने अंग्रेज़ों को पिच बैटल में हरा दिया और इन्होंने एक ऐसे कर्नल को हराया है, एक ऐसे जनरल को हराया है जो इतना मशहूर जनरल रहा है सर कॉलिन कैंपबेल। तो इससे जहां अंग्रेज़ों के कैंप में बहुत ज़्यादा डिमोरलाइजेशन हुआ वहीं इनके कैंप में बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो
एक काफ़ी मॉरल का बूस्टअप हो गया था। तो ये तो इसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस है। जितने भी उस वक्त के अंग्रेज़ जर्नल्स हैं या मौरख हैं, वो सब के सब तारीफ करते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह के बहादुरी की, इनकी टैक्टिकल एबिलिटीज़ की और इनकी मिलिट्री लीडरशिप की। चिन्हट की लड़ाई जीतने के बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने कई दूसरे लीडरान से मदद मांगी, पर उनकी हिकमत अमली को कोई समझ नहीं पा रहा था। पर वो रुके नहीं और उन्होंने अंग्रेजी किलेबंदी पर हमला कर दिया, मगर वो और उनकी पलटन अकेले पड़ गए थे। उन्हें तोपों और तीर कमानों की जरूरत थी, मगर उनके पास सिर्फ भाले और तलवारें थीं और दूसरे सरदार उनकी मदद को आगे नहीं आए। प्रेसिडेंसी का हमला नाकामयाब रहा और मौलवी साहब को पीछे हटना पड़ा। उन्हें गोली लगी और वो जख्मी हो गए, पर उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई। मौलवी साहब ने अब तारा कोठी पर कब्जा कर लिया और यहां अपनी फौज को फिर इकट्ठा किया। इसी दौरान शहजादा बिरजीस कद्र से उनका राबता हुआ। मौलवी साहब की राय में बिरजीस कद्र कमसिन और नासमझ था। चिन्हट की लड़ाई के बाद हिंदुस्तानी फौजों में बदनज़मी फैली और उन्हें काबू में रखना ज़रूरी था, मगर बिरजीस कद्र इसे नज़रअंदाज कर रहा था। ये कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से दोनों में जल्द ही दूरियां पैदा हो गईं। इन इख्तलाफात के बावजूद जब रेजिडेंसी लखनऊ पर हमले की बात आई तो मौलवी अहमदुल्ला शाह अपनी फौज के साथ बरकत अहमद और बिरजीस कद्र के साथ खड़े थे। बैली गारत पर उन्होंने खुद हमला किया, उनके दाहिने हाथ में गोली लगी। बैली गारत के मोर्चे के कुछ वक्त बाद और लखनऊ पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने की वजह से वहां और टिकना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पलटन के साथ सीतापुर की तरफ कूच कर दिया। रास्ते में बड़ी को अपना ठिकाना बनाया। बेगम हजरत महल ने मौलवी साहब के साथ मिलकर लड़ने की पेशकश की। शहजादा बिरजीस कद्र ने बैत पेश करके उन्हें पीर तस्लीम किया, मगर जब मौलवी साहब ने नेपाल की तरफ से लूट मार करके लौटने वाली गोरखा रेजिमेंट पर हमला किया तो बिरजीस कद्र की फौज पीछे हट गई और शाह साहब की फौज को भारी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद मौलवी साहब ने बड़ी छोड़ने का मंसूबा बना लिया। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, और अभी तबीयत कैसी है आपकी? लाइए मैं जांच करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी तबीयत है मौलवी साहब की हकीम साहब? तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, पर अगर आप लोग इसी तरह परेशान करते रहे तो फिर खुदा जाने। आप ना गुस्सा करें हकीम साहब, कुछ नहीं होगा हमें। फिर खुदा की मर्जी को कोई हकीम रोक पाया है? नूर, कहिए कुछ खास बात? जी मौली साहब, खुदा हाफिज। मौलवी साहब, शाहजहांपुर में भी बगावत फैल चुकी, वहां पे दुश्मन भारी तादाद में है। वहां के कुछ बागी आपको अपना सदर बनाकर जंग आगे बढ़ाना चाहते, उनके कुछ नुमाइंदे आपसे मिलना चाहते। नूर खान, ये आग अब और फैलेगी, आप उनसे कह दीजिए कि हम वहां आ रहे हैं और आप
तैयारी कीजिए शाहजहांपुर जाने की। शाह साहब की सेहत अब उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन हौसले उतने ही बुलंद थे, क्योंकि उनका ताल्लुक सेहत से था ही नहीं। शाह साहब जनवरी 1858 को शाहजहांपुर पहुंच गए। उन्होंने सरकारी इमारतों पर हमले शुरू किए। उनका अंदाज़ा ये था कि अगर सरकारी इमारतों पर हमले किए जाएं, तो अंग्रेज़ों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कैंबल शहर छोड़कर चला गया। 2 मई को कैंबल ने शहर की कमान कर्नल हेल के हाथ सौंप दी और बरेली की तरफ चला गया। 3 मई को शाह साहब ने शहर पर हमला किया और कब्जा कर लिया। ये कब्जा लगभग 9 दिन तक चलता रहा। W.H. रसल ने लिखा है कि शाह साहब के पास लगभग 5,000 घुड़सवार थे, कुछ सिपाही और थोड़ा सा असलहा था। उनका यह भी कहना है कि शाह साहब बिल्कुल यूरोपियंस की तरह से जंग लड़ते थे। शाह साहब शाहजहांपुर से मोहम्मदी आ गए। यहाँ उन्होंने नई हिकमत अमली इख्तियार की। अब वो एक बड़ी जंग करना चाहते थे। इस जंग के लिए उन्होंने बरेली के नवाब से मदद मांगी। नवाब ने मदद देने से इनकार कर दिया। मोहम्मदी में शाह साहब की ताजपोशी हुई और वो एक खुद मुख्तार बादशाह की तरह तख्त नशीन हुए। शाहजहांपुर में जो भी कुछ हुआ वो और भी एरियाज में हो सकता है, और ये मौलवी बहुत ही ज्यादा क्लेवर और ब्रेव है, और सबसे बड़ी बात इसके साथ पब्लिक है, अवाम। सर, कुछ राजा और कुछ नवाब भी उनका साथ दे रहे हैं। आजिमुल्ला शाह, प्रिंस फिरोज शाह और बरेली के नवाब बहादुर खान भी उनसे जा मिले हैं। उनके पास लगभग 17,000 बागी है, और अगर वो सब साथ मिल गए तो बरेली और उसके आसपास का एरिया भी हमसे दूर जाता रहेगा। ओह, तो सबसे पहले हमारी इंग्लिश फैमिलीज को दिल्ली भेजा जाए, और इस मौलवी को हमें डायरेक्टली फिनिश करने की जरूरत नहीं, हमें यहीं से कोई नवाब या प्रिंस को इलेक्ट करना होगा, और वही हमारे लिए इस मौलवी के अगेंस्ट फाइट करेगा, और बाकी इन बागियों को क्रश करने के लिए लखनऊ से फौज के साथ मैं ही निकलता हूँ। सर, हम बरेली को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें बरेली पर एक टुकड़ी तैनात करनी पड़ेगी जो बहादुर खान पर प्रेशर बना सके। अगर हम बरेली में ताकतवर हुए तो मौलवी को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, और मौलवी के मरते ही हम अचानक से इन बागियों पर धावा बोल देंगे, ताकि ये समझ ही ना पाए कि क्या हुआ। मार्च 1858 को मौलवी साहब ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उनके साथ लगभग 17,000 फौजी थे, जिनमें अंग्रेजी फौज के बागी सिपाही, हिंदू, मुस्लिम सब शामिल थे, और वो मौलवी साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इतनी बड़ी फौज देखकर आसपास के नवाब और प्रिंस भी उनका साथ देने लगे, पर फिर भी ये सब काफी न था। उन्हें अवध की सरहदों से मिलने वाली सब रियासतों की मदद चाहिए थी, और ये हो नहीं पाया। उन्होंने रोहिलखंड में भी कुछ पहलकदमी की, मगर अब अंग्रेजी सरकार हर हाल में मौलवी साहब को दबाना चाहती थी, और अंग्रेजी फौज मोहम्मदी की तरफ बढ़ रही थी। कैंबल सीधा मौलवी साहब से नहीं भिड़ा, उसने अपने किसी पिट्ठू की मदद से मौलवी साहब का खून करवा दिया। उनकी मौत आज भी एक राज है, हकीकत किसी को नहीं मालूम। हाँ, कहानियाँ, कुछ लोगों का मानना है कि पयावण के राजा ने मौलवी साहब का खून करवा दिया था। एक कहानी ये भी है कि एक जमींदार ने धोखे से मौलवी साहब का कत्ल कर दिया, पर
मौलवी साहब का कत्ल कैसे भी हुआ, अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। बगावत कुचल दी गई। मौलवी साहब की फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। शाह साहब के कत्ल के बाद, उनकी शहादत के बाद, अंग्रेजों ने शाहजहांपुर, बरेली और उसके आसपास की जगहों पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। बागियों को या तो कत्ल कर दिया गया या जेल में डाल दिया गया। 1857 से बहुत पहले ही शाह साहब ने मुल्क में घूम घूम कर लगातार अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़काया। आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, शाहजहांपुर, ये वो जगह हैं जहां शाह साहब ने लोगों के दिलों को गरमाया, लोगों को बगावत के लिए तैयार किया। यहां तक कि उन्होंने कुछ शहजादों को भी अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होने की तरगीब दी। शाह साहब ने आपसी रंजिशें, छोटी छोटी बातें भूलकर हमेशा बागियों का साथ दिया। उनकी सियासी सूझबूझ, फौजी पैतरे, यही वो चीज़ें थीं जिनकी वजह से वो क्राइमिया के हीरो कर्नल कैंपबेल को लगातार हराते रहे। दो बार करारी शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त जिसकी मिसाल 1857 की जंग में नहीं मिलती। उनकी सूझबूझ, आज़ादी का तसव्वुर और अवाम से मोहब्बत, यही वो चीज़ें थीं जिन्होंने शाह साहब को शहादत के उस दर्जे पर पहुंचा दिया जहां शायद ही और कोई पहुंच सका।